नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, DPI द्वारा फाइनली लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा फाइनली एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है अतिथि शिक्षक के संबंध में। जी हाँ, अतिथि शिक्षकों की भर्ती जो है काउंसलिंग प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही थी और आज फाइनली अंतिम तिथि थी, और अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब इसकी तिथि में सुधार किया गया है। जी हाँ, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर, हम भी हमारा अनलॉक है फॉर्म, या फिर किसी प्रकार का और भी समस्या है, या जो भी नए अभ्यर्थी हैं, जो भी नए अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते थे उनके लिए आज सर्वर डाउन हो चुका था, मतलब वेबसाइट ठीक से नहीं चल रही थी, जेफेंस पोर्टल ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर, इसकी तिथि बढ़नी चाहिए। तो फाइनली DPI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, देख सकते हैं 9/9/2024 को, और ये देख सकते हैं, विषय आप देख सकते हैं, अतिथि शिक्षकों हेतु JFM पोर्टल पर कार्यवाही के संबंध में। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि डेट वगैरह क्या हो चुकी है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये है शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदक द्वारा JFM पोर्टल पर किए गए पंजीकरण विवरण में दर्ज शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता एक माध्यमिक मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जाने वाली जानकारी का सत्यापन तथा आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन तथा संशोधन की तिथि उपलब्ध कराई जा रही है। स्कोर कार्ड की कार्रवाई हेतु आवेदकों को यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अतः निम्नानुसार सारणी यहाँ पर देख सकते हैं, कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो फाइनली जो समस्या थी कि जिनका भी टेट यहाँ पर ऐड नहीं था, मैं बता दूँ फाइनली कि जिनका भी टेट क्वालिफाई है, टेट ऐड नहीं था, तो अब संकुल में जाकर उसको टेट को ऐड करवा सकते हैं, वेरीफाइड करवा सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और याद रखिएगा, इसकी जो डेट है मैं बता देता हूँ फाइनली, ये देख सकते हैं, जिन आवेदकों का कारणवश स्कोर कार्ड हेतु आवेदन में दर्ज योग्यता का सत्यापन नहीं हो सका है, ऐसे आवेदकों हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा JFM पोर्टल पर सत्यापन करवाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, सत्यापन की जो समय सीमा है यहाँ पर देख सकते हैं 11 तारीख है ना, जिन भी आवेदकों का सत्यापन नहीं हुआ, आप भी टेट क्वालिफाई हैं तो आप सत्यापन करवाइए, ऐड करवाइए 11 तारीख के अंदर अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदक द्वारा दर्ज मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा JFM पोर्टल पर सत्यापन करवाना 11 तारीख है ना, फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आवेदकों द्वारा ये फाइनली आवेदकों द्वारा JFM पोर्टल पर शाला विकल्प का चयन विकल्प चयन में संशोधन करना कब तक देख सकते हैं, ये 12/9/2024 तक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइनली आवेदकों द्वारा JFM पोर्टल पर शाला विकल्प का चयन एवं शाला विकल्प चयन में संशोधन, ये 12/9/2000 ये आखिरी तारीख है दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है DPI ने, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी फॉर्म नहीं भर पाए थे तो आप फाइनली फॉर्म भर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के DPI की वेबसाइट में जा सकते हैं, JFM पोर्टल पर, या हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर जीके पर विजिट कीजिए, डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट, और नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। और जी हाँ, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।